हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं बलजीत कौर। आप इस वक्त देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उनसे कुछ कॉमन सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं, जैसे आपसे मिलकर खुशी हुई, या फिर आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, या फिर क्या हम पहले मिल चुके हैं, क्या आप मुझे जानते हैं। तो आज इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलना सीखने वाले हैं। शुरू करते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। आई एम सो प्लीज टू मीट यू। आई एम सो प्लीज टू मीट यू। आप सिर्फ प्लीज टू मीट यू कहकर भी काम चला सकते हैं। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। इट्स गुड टू सी यू हियर, या फिर इट्स गुड टू हैव यू हियर। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? हैव वी मेट बिफोर। हैव वी मेट बिफोर। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आर वी नोन टू ईच अदर। आर वी नोन टू ईच अदर। किसी से दूसरी बार मिलने पे आप बोलते हैं तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। इट्स गुड टू सी यू अगेन। इट्स गुड टू सी यू अगेन। काफी टाइम से मिले नहीं, या फिर काफी दिनों से दिखे नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगा। I would like to meet you again. I would like to meet you again. मिलने के बाद अगर आप ये बोलना चाहते हैं कोई नई ताज़ा, तो आप इसकी जगह बोले What's new? What's new? या फिर What's up? What's up? अगर आप कुछ लोगों के बीच में खड़े हैं और वहाँ से निकलने की इजाज़त चाहते हैं, तो आप Excuse me बोलकर निकल सकते हैं। Excuse me. बहुत सारे लोग हैं और आपको उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो आप बोल सकते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो गाइज, ये खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।